नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में जिला अधिकारी अमित किशोर ने बताया कि जनपद के लिए खुशखबरी है। रुद्रपुर तहसील के जंगल ठाकुर गांव में सोलर पावर प्लांट स्थापित होगा। इससे 100 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न होगा। इसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आएगी। इसके लिए 550 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसके स्थापना होने से न केवल देवरिया में बल्कि इसके सटे जनपदों में भी विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी। इस प्लांट से ना प्रदूषण होगा और ना ही ईंधन की आवश्यकता होगी। प्लांट की कार्यदायी कंपनी एम प्लस पावर प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एडवाइजर मधुसूदन गुलाटी ने बताया कि इसकी स्थापना के लिए करीब 300 किसानों की अनुपयोगी भूमि लीज पर ली गई है, जिन्हें उचित कीमत भी दिया जाएगा। क्षेत्र के किसान इसकी स्थापना से काफ़ी खुश है। इस प्लांट के माध्यम से उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर मिलेगा। इससे विद्युत उत्पाद करने में किसी भी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि सोलर सिस्टम से विद्युत उत्पादन होगा, जिससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। स्थापना का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। और इसी तरह की खबर देखने के लिए बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।